नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है किसान सोमवीर भूरा जी। मिठाइयाँ बनाते हैं, दूध का काम करते हैं। इस बार सेहत वाली शुद्ध दिवाली मनाने के लिए इन्होंने बनाई है ऐसी रेसिपी मिठाइयों की जो बेहद शुद्ध है और सेहतमंद भी है। कैसे ये शुद्ध है, कैसे सेहतमंद है, इसकी पूरी जानकारी इनसे लेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आप इन्हें कैसे ले सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि शुद्ध चीजों के बारे में आपको जानकारी हो और आप तक शुद्ध चीजें पहुंचे। ये मुहिम निःशुल्क है, कोशिश सिर्फ इतनी है कि शुद्धता को बढ़ावा मिले। तो चलिए, इस बार दिवाली पर गिफ्ट ना हो या खुद घर में आपको प्रयोग करनी हो, सेहत वाली मिठाई कैसे बनाई इन्होंने, इन्हीं से जानते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी सोमवीर जी, ये मिठाइयाँ शुद्ध कैसे हैं और क्या रेसिपी है जरा बताइए। नमस्कार कुलदीप जी, सबसे पहले टेक्निकल फार्मिंग के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कुलदीप जी, ये नेचुरल इस वजह से है, हमने ये जो भी मिठाइयाँ बनाई है ये सारी की सारी शुद्ध बनाई है। इनमें जो चीजें हैं वो सारी ओरिजिनल हमने इसमें लगाई है। जैसे मैं आपकी बेसन की बर्फी की बताता हूँ, तो हमने अच्छी क्वालिटी का बेसन लिया है और इसमें जो मीठा डाला गया है वो खांड डाली गई है जी, खांड हमने देसी खांड इसमें मिलाई है इसमें को मीठा करने के लिए। और इसमें जो घी लग रहा है वो भी देसी घी है, अपने प्लांट का बना हुआ। हम दूध लेते हैं, दूध से घी बनाते हैं और उसी घी से ये बनाई हुई बर्फी है जी। अगली हमारी ये काजू कतली है जी, ये भी अच्छी क्वालिटी का हम काजू लेते हैं और काजू पे जो केमिकल होता है उसको उतारने के लिए हम इस काजू को दूध से धुलाई करते हैं जी। और उसके बाद में इसमें जो मीठा डाला है वो भी हमने देसी खांड डाली है जी। अब आ जाते हैं हमारे बेसन के लड्डू पे, ये भी अच्छे वाली बेसन होता है जी, अच्छी क्वालिटी का। और ये बेसन बर्फी की तरह इसमें भी देसी खांड मिलाई जाती है और देसी घी से बनता है और इसमें साथ में ड्राई फ्रूट भी होते हैं। इनकी एक खास बात हो रहा है कुलदीप जी, इनका कलर जो है वो थोड़ा सा डल है, क्योंकि हमने इनका कलर बढ़ाने के लिए इनमें कोई कलर नहीं डाला, इनकी चमक बढ़ाने के लिए हमने कुछ नहीं किया। ये जो नेचुरल है वैसे की वैसी है और जो इन पे चांदी वर्क लगा हुआ है वो भी ओरिजिनल चांदी वर्क है, अच्छी क्वालिटी का। तो दोस्तों, जैसा सोमवीर जी ने बताया कि ये जो रेसिपी इन्होंने तीन तैयार की है ये बिल्कुल शुद्ध है, नो प्रिजर्वेटिव नो कलर, और इसमें किसी भी तरह की और मिलावट भी नहीं की गई है। ये दिवाली पर एक ऐसा बंच तैयार किया गया है जो दूर तक जा सकता है। ये हरियाणा में भिवानी जिले के रोडा गांव के रहने वाले, यही इनका एक आउटलेट है। आसपास अगर आप हैं तो इनसे सीधे ले सकते हैं, नहीं तो शुद्ध फार्म ने एक मुहिम शुरू की है कि इन मिठाइयों को साथ में ड्राई फ्रूट और केसर को मिला करके एक गिफ्ट पैक तैयार किया गया है। ये गिफ्ट पैक आप देश भर में कहीं भी मंगवा सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध यहाँ से जो तैयार होता है यही मिठाइयाँ आपको केसर के साथ और ड्राई फ्रूट के साथ मिलेंगी। ये मिठाइयाँ आप चाहे खुद खाइए या गिफ्ट दीजिए, दोनों ही जगह बहुत संतुष्टि मिलेगी। खुद भी आप कहेंगे ऐसी मिठाई हमने शायद ही कहीं खाई हो। तो ये एक मुहिम है दिवाली पर शुद्धता की, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।